नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। तो केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार सीमा की फेंसिंग करने का ऐलान किया है। आप जानते हैं ये इलाका बेहद दुर्गम है और यहां पर फेंस लगाना, बाड़ लगाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर घने जंगल हैं, पहाड़ हैं और उन पर फेंसिंग करने का चैलेंज भारत सरकार ने लिया है। दरअसल भारत म्यांमार की सीमा इस वजह से बेहद अहम है क्योंकि ये भारत के राज्य मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। मणिपुर में जब हिंसा हुई तब म्यांमार सीमा के रास्ते चीन ने मणिपुर में हिंसा कराई और उत्तर पूर्व राज्यों में सक्रिय आतंकी संगठन भारत में हिंसा फैलाकर म्यांमार भाग जाते हैं। भारतीय सेना इन आतंकियों के कैंप तबाह करने के लिए म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक तक कर चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार को लगता है कि बॉर्डर पर फेंसिंग होने से बॉर्डर से होने वाली ड्रग तस्करी और मानव तस्करी पर भी लगाम लग सकती है। बांग्लादेश की तरह ही म्यांमार और उत्तर पूर्व राज्यों में रहने वाले लोग आपस में रिश्तेदार हैं और वो म्यांमार और भारत के बॉर्डर को अक्सर क्रॉस करते रहते हैं। यहाँ तक स्थानीय लोग सामान की खरीद फरोख्त के लिए भी एक दूसरे के देश आते जाते रहते हैं। ये ट्रेड अनऑर्गेनाइज होता है लेकिन स्थानीय लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बहुत मायने रखता है। इसके अलावा म्यांमार सीमा से सटे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ केवल खेती नहीं बल्कि कुछ घर तक दो देशों के बीच बटे हुए हैं। जैसे घरों का किचन भारत में है तो बाथरूम म्यांमार में है। अब यही वजह है कि बॉर्डर मैनेजमेंट करने में सरकार को खासी परेशानी होने वाली है। ऐसे में पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग लगने से सीमांत गाँव में रहने वाले लोगों का क्या होगा? गृहमंत्री अमित शाह ने अपने बयान में कहा था कि सीमा पर हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम के जरिए फेंसिंग की जाएगी। तो अभी तक मणिपुर के मोरेह में 10 किलोमीटर के हिस्से में बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत सरकार का बाड़ लगाने का फैसला बिल्कुल सही है, इससे बॉर्डर इलाके में सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि साल 2018 में सरकार की ओर से एक एक्ट ईस्ट नीति लाई गई थी जिसके तहत दोनों देशों के बीच मुक्त आवाजाही समझौते FMR मामले में सहमति पत्र पर समझौता हुआ था। इसके मुताबिक दोनों देशों के बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोग 16-16 किलोमीटर तक आ जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह के पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं है, बस एक परमिट बनने के बाद ये आवाजाही हो सकती है। तो कहा यह जा रहा है कि जब सीमा पर फेंसिंग हो जाएगी तब 16 किलोमीटर की आवाजाही कैसे हो पाएगी? साथ में उन लोगों का क्या होगा जिनके घर, खेत, बिजनेस, परिवार के लोग दोनों देशों में हैं? तो जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, भारत म्यांमार बॉर्डर पर रहने वाले लोग आपस में रिश्तेदार हैं। वहाँ फैली जनजातियों में कई ऐसे रीति रिवाज हैं जो आपस में ये लोग साझा करते हैं। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ शादी करते हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला केवल ज़मीन का नहीं है बल्कि इंसानी रिश्तों का भी है, जिन्हें अलग किया जाना बेहद मुश्किल है। भारत सरकार ज़रूर इस मुद्दे पर ध्यान देगी और इसके बाद ही फेंसिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। भारत म्यांमार ज़मीनी सीमा देश के 4 राज्यों अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से लगती है। सबसे ज़्यादा 520 किलोमीटर का इलाका अरुणाचल प्रदेश, 510 किलोमीटर मिजोरम, 398 किलोमीटर मणिपुर और 215 किलोमीटर का इलाका नागालैंड से मिलता है। गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और बांग्लादेश बॉर्डर पर भी फेंसिंग है। इसमें राजस्थान और पंजाब को अगर छोड़ देते हैं तो बाकी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करना बेहद मुश्किल है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर बाकी बॉर्डर्स के साथ तुलना की जाए तो थोड़ा आसान है। उत्तर पूर्व में भी कई जगह पहाड़ हैं, घना जंगली इलाका है। यहाँ कटीले तार और फेंसिंग में काम आने वाले दूसरे उपकरण लगाना अपने आप में एक कठिन टास्क है। और दूसरी बात यह भी है कि जैसे तैसे अगर बाड़ लगा भी दी जाती है तो उस इलाके की पेट्रोलिंग करना बेहद ज़रूरी और बेहद मुश्किल भी हो जाएगा। ये पेट्रोलिंग हफ्ते महीने में एक बार नहीं बल्कि 365 डेज 24/7 यानी 365 दिन 2400 घंटे करनी पड़ेगी, तभी इस बॉर्डर पर बाड़ लगाना सफल हो पाएगा। पेट्रोलिंग करने के लिए भी अतिरिक्त जवानों की ज़रूरत होगी जिससे सरकार के खजाने पर बोझ और बढ़ेगा, लेकिन देश हित में ये फैसले लेना बेहद जरूरी है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।